देख रहे हैं न्यूज 24 आपके साथ, मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी सियासी खबर से। बिहार में अगले 48 घंटे में बड़े सियासी उलटफेर की संभावना है। लालू की बेटी रोनी का ट्वीट से सियासत गर्मा गई है बिहार में। रोनी के पोस्ट को गठबंधन में फूट से जोड़ा जा रहा है। सियासी हलचल के बाद रोनी ने एक्स से पोस्ट को हटाया। राहुल की यात्रा में शामिल नहीं होंगे नीतीश कुमार, ये भी एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। लालू की बेटी है रोनी आचार्य, जिन्होंने ट्वीट किया था कल नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के मौके पर परिवारवाद की राजनीति को आड़े हाथों लिया था, सवाल उठाए थे परिवारवाद की राजनीति को लेकर। आज जवाब दिया है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने, जिसमें उन्होंने डायरेक्टली निशाना नहीं साधा है, लेकिन इशारों इशारों में लालू यादव की बेटी रोहिणी यादव ने एक्स पर अपना ट्वीट किया और बाद में उसे हटा भी दिया। दरअसल नीतीश के परिवारवाद वाले बयान के बाद लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का दावा वही करता है और हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा खींच जाता है, क्या होगा जब हुआ ना कोई अपना योग्य। ये रोहिणी आचार्य ने लिखा है, विधि का विधान कौन टाले जब खुद की नीयत में ही खोट है, जब खुद की नीयत में ही खोट है। और साथ में कह रही है कि समाजवादी पुरोधा होने का करता है वही दावा, हवाओं की तरह बदलती है जिनकी विचारधारा। तो ये माना जा रहा है कि एक तरह से कल का जवाब दिया है। लालू की बेटी रोहिणी की ट्वीट से ये सियासत गर्मा गई है। अगले 48 घंटे में बड़े उलटफेर की संभावना बिहार की सियासत में नजर आ रही है। रोहिणी की पोस्ट को गठबंधन में फूट से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि एक बार फिर गठबंधन टूट सकता है, क्योंकि कल नीतीश कुमार ने बयान दिया था परिवारवाद को लेकर सवाल उठाए थे, आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट की जिसमें उन्होंने भी कई सवाल उठाए हैं। इशारों इशारों में जेडीयू और आरजेडी के बीच एक जुबानी जंग शुरू हो गई है। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी सौरभ का। सौरभ, रोहिणी आचार्य ने पहले ट्वीट किया और फिर हटा दिया, तो क्या ये माने अंदर ही अंदर एक जुबानी जंग जो चल रही है, लेकिन इस जुबानी जंग का अंजाम क्या होगा? जी बिल्कुल, अंजाम क्या होगा बिहार की जो जनता है वो भी इंतजार कर रही है। और पिछले अगर 3-4 दिनों से जो चीजें हो रही है बिहार की राजनीति में, आप इसे नॉर्मल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा था कि अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजभवन चले जाते हैं और करीब 1 घंटे तक उनकी मुलाकात राज्यपाल से होती है और उनके साथ शिक्षा मंत्री नहीं होते हैं जो कि आरजेडी कोटे से आते हैं, उनके साथ वित्त मंत्री होते हैं जो कि मुख्यमंत्री के काफी करीबी होते हैं। और कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर, यानी सीधे तौर पर लालू के परिवार पर उन्होंने निशाना साधा, और आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने पहले ट्वीट किया और उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री आवास में जो सोशल टीम होती है मुख्यमंत्री की, उससे मुख्यमंत्री ने जानकारी मांगी थी कि आखिर ट्वीट में लिखा क्या गया है। तो मुझे लगता है ये जानकारी कहीं ना कहीं लालू परिवार को भी मिल गई होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री की जो नाराजगी है और उसके बाद ही ट्वीट को डिलीट किया गया है। तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में सामान्य कुछ नहीं कहा जा सकता है और आने वाला पल क्या होगा, मुख्यमंत्री का क्या फैसला होगा, क्योंकि हमने यह भी देखा कि कल इतनी बड़ी रैली जदयू की थी लेकिन वहां पर मंत्री संजय झा मौजूद नहीं थे। संजय झा दिल्ली में मौजूद थे और अब से कुछ ही देर के पहले संजय झा जो हैं वह मुख्यमंत्री आवास गए हैं। तो निश्चित तौर पर यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि संजय झा दिल्ली में हैं और हो सकता है कि कल वो बीजेपी के कुछ नेताओं के संपर्क में हैं। हालांकि कुछ ठोस तरीके से नहीं कहा जा सकता है या प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बिहार में अटकलों का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है, क्योंकि जो चीजें चल रही है आरजेडी और जदयू में वह कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं दे रही है। रवि, सौरभ, अभी हम देख रहे थे कुछ महीनों पहले नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे थे, इंडिया लाइंस को लीड करने की बात देख रहे थे, और ठीक चुनावों से ठीक पहले हम देख रहे हैं बिहार की सियासत में उलझ गए। ये जो तकरार, ये खटास देखने को मिली है, जिम्मेदार कौन, कहां से शुरुआत हुई ऐसी? जी
जी बिल्कुल रवि, अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पांच छह महीनों तक वो पूरे उन्होंने देश का दौरा किया, सभी विपक्ष के नेताओं से वो मिले और सबको एक मंच पर उन्होंने इकट्ठा किया, और उसी का असर था कि बिहार की राजधानी पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, जहां 15 से ज्यादा जो विपक्षी पार्टी के जो नेता थे वह एकजुट हुए थे। हालांकि उसके पहले कहा जा रहा था कि ऐसा मुमकिन नहीं है, सारे विपक्ष की पार्टी एक मंच पर आ ही नहीं सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने वो कर दिखाया। और उसके बाद नीतीश कुमार को यह उम्मीद थी कि इंडिया गठबंधन के तरफ से उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन 3 बैठक के बाद भी वो जिम्मेदारी नीतीश कुमार को नहीं मिली। चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह थे, उन्होंने नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं बढ़ाया। और 4थी बैठक में ममता बनर्जी ने अचानक खड़गे का नाम प्रस्ताव के नाम का प्रस्तावित किया और उसका समर्थन केजरीवाल ने किया था। तो निश्चित रूप से के नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन से जो उम्मीद थी, जो उन्हें चाहिए थी, वो उन्हें नहीं मिली। हाँ। सबसे बड़ी नाराजगी की वजह यही है और यहीं से जो एक दूर होने का जो रास्ता है वह शुरू हो गया था। और उसके बाद जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में चीजों को लेकर देरी हो रही है, चाहे सीट शेयरिंग का मसला हो या फिर उम्मीदवार को लेकर, कई बार ममता बनर्जी ने कल ऐलान कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में वो अकेली लड़ेंगी, पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं हम अकेले लड़ेंगे, नीतीश कुमार बिहार की सियासत में उलझे हैं, इन सब के बीच इंडिया अलायंस का क्या भविष्य होगा ये भी देखने वाली बात होगी।